Hello guys, hi, this is Rajkumar, this is a business advisor and marketing trainer. My dear friend, बहुत सारे लोग छोटे लागत में बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू भी कर लेते हैं और उससे उसके बाद वो सोचते हैं सारा चलाएं कैसे, कुछ लीगल इलीगल इशू अगर आएगा तो मैं उसको हैंडल कैसे करूँगा। एंड इसके साथ बढ़िया बिजनेस प्लान अगर नहीं होगा या बिजनेस में थोड़ा बहुत इधर उधर आया शायद मैं डूब जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा और कैसे इसी जो प्रॉब्लम को अपना सोल्यूशन में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप हमसे ले सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड आपको बता दूं, आज तक के जितने सारे यूट्यूबर हैं जो कि सिर्फ बिजनेस आइडिया देते आ रहे हैं, जहां पर आपको तो मजा आ रहा है, मुनाफा दिख रहा है, बाकी मैं आपको बता सकता हूं आपको मुनाफा सच में कैसे होगा। इसीलिए आपको कंप्लीट वीडियो को देखना पड़ेगा, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी जो फिलहाल आपको आइडिया या बिजनेस के बारे में समझाने वाला हूं जो कि कंप्लीटली 3 वीडियो में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1, आपका बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। पार्ट 2 में आपको सीखने के लिए मिलेगा बिजनेस का प्रॉपर प्लानिंग, जैसे प्रॉपर प्लानिंग का मतलब जैसे आपने कितना स्पेस लेंगे, आपने कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपने कैसे मेन पावर हायर करेंगे, आपने कैसे अपना प्रोडक्ट का डिजाइन करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीट जानकारी बिजनेस प्लान के ऊपर मिल जाएगा जो कि पार्ट 2 में मिलेगा। और पार्ट 3 में मिलेगा सबसे जरूरी बात, मार्केटिंग सेल्स, मतलब आप जो फिलहाल बिजनेस आइडिया देखने जा रहे हैं उसका पार्ट 3 में आपको सीखने के लिए मिलेगा आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे, कैसे अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करेंगे, कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा, कौन सा तरीका जो कि कम खर्चे मार्केटिंग में लगाएंगे और बढ़िया मुनाफा कमाएंगे, इसके ऊपर कंप्लीट जानकारी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसके साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है मुझे तो फॉलो कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप चाहते अपना बिजनेस का कंप्लीट प्लान लाइव मेरे साथ डिस्कशन करके बढ़िया ढंग से बिजनेस चलाना, तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब लाइव वो चीजें शेयर करूंगा आपको, माइंडसेट का लेकर, जैसे आपका माइंडसेट को लेकर आपका बिजनेस कैसा चलेगा और आप कैसे उसको चलाएंगे, उसके ऊपर कंप्लीट जानकारी मैं आपको डायरेक्ट फेस टू फेस शेयर करने वाला हूं। इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर हाँ, और एक बात, आप चाहते हैं सेल्स मार्केटिंग एंड बिजनेस को चलाने का कुछ रेडीमेड तरीका जबरदस्त चलेगा, अगर सीखना चाहते हैं तो theadvisor.co.in में जाकर आपने मेरे काफी सारे कोर्सेस हैं जहां पर आप सीख सकते हैं कैसे सेल करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे अपना टीम को कैसे मैनेज करेंगे, बिजनेस को कैसे एक्सपांड करेंगे और अपने आप को कैसे स्मार्टली लोगों के पास प्रेजेंट करेंगे। सीखना चाहते हैं तो बस theadvisor.co.in पर जाकर विजिट कीजिए एंड वहां पर आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाएगा। तो आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, आप स्लीपर मेकिंग बिजनेस अगर शुरू करते हैं, चाहते हैं अपना क्षेत्र में रहते, चाहते हैं आप अपना एरिया में रहकर बढ़िया सा स्लीपर मेकिंग बिजनेस करके बढ़िया इनकम कर सकते हैं, कैसे करेंगे और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर कंप्लीट बात करूंगा। ये है पार्ट 1, जहां पर आपको सीखने के लिए मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जो डॉक्यूमेंट्स की अगर आप कंप्लीट प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको लीगल इश्यू कोई नहीं कर सकता है, आप कंप्लीटली टेंशन फ्री हो जाएंगे और आपको कोई भी आपको कोई हैम्पर करने वाला नहीं है बाद में अगर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो। इसकी इसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो कि स्लीपर मेकिंग बिजनेस के लिए, तो फ्रेंड पहले आपको बता दूं यहां पर आपको 7 डॉक्यूमेंट लगता है, 7 डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिए, और लिखना नहीं आता है तो भाई फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ता है। पहला डॉक्यूमेंट है एमएसएमई सर्टिफिकेशन, मतलब आप उद्योग आधार के एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उद्योग आधार का अगर सर्टिफिकेट लेते हैं तो वहां पर आपको
शुरू से आपको तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बाद में जाकर अगर आपको बिजनेस में कुछ लोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ता है, क्योंकि बिजनेस करते में मतलब लोन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट, तो आप उस समय में आपका MSME सर्टिफिकेशन बहुत ही काम पे आने वाला है। इसीलिए MSME सर्टिफिकेट कर दीजिए। MSME तीन तरीके का रहता है, मुझे इतना पता है और आपको जो चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है यह है कि आप स्वयं चालित होना चाहिए, जैसे आप अगर अकेला ओनर है तो आप MSME कर सकते हैं, पहला। दूसरा MSME क्या है, पार्टनरशिप। मान के चलिए आप एक दो दोस्त मिलकर आपने बिजनेस शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप MSME आप कर सकते हैं, राइट। एंड तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप थोड़ा बड़े ढंग से करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये था पहला डॉक्यूमेंट जो कि MSME के माध्यम से हो सकता है, जिसका कॉस्ट मान के चलिए 500 रुपये से लेकर 5,000 तक जा सकता है, डिपेंड अपॉन योर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डिपेंड अपॉन योर बिजनेस। हालांकि नॉर्मल MSME में कोई पैसा नहीं लगता है, फिर भी जो काम करेगा उसके लिए आपसे वो चार्ज जितना करेगा वही चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने कितना इनकम कर रहे हैं, कितना ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसका हिसाब आपको सरकार को देना पड़ता है। इसके लिए आपको GST लेना अनिवार्य है, क्योंकि आगे जाकर आप जिस पार्टी को माल बेचेंगे उसको GST बिना GST उसको बेच नहीं सकते। चलो B2C कर दिए, GST बगैर GST में अगर आपने शुरू कर दिए तो कोई बात नहीं, बगैर GST आप शुरू कर सकते, पहले GST की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। अगर आप बड़े तैयार में करना चाहते हैं, हाँ बड़े हिस्से से करना चाहते हैं, तो आप GST कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। एंड सेकेंड दिस सॉरी दैट इज थर्ड वन, दैट इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। मान के चलिए आज की डेट में हर कोई बंदा चाहता है भाई मेरा खुद का ब्रांड बने, कोई भी चाहता है भाई। और ब्रांड बनेगा कैसे, ब्रांड बनेगा तब जब आप बढ़िया ढंग से मार्केटिंग करेंगे, और मार्केटिंग की बात मैं बताऊंगा आपको। अभी क्या है TM, मतलब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आपका कुछ ब्रांडिंग लोगो होगा, ब्रांड नहीं होगा, XYZ एंटरप्राइजेस, ABC ब्रांड, चप्पल का बहुत सारे आप बता दूँ, बैठे का नाम ले लूँ, क्या बहुत सारे ब्रांड है, मैं किसका नाम उतना नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, आई एम सॉरी। तो मैं ले लिया बस इतना बड़ा कंपनी का नाम ले लिया एक, उसके बाद आप सोच सकते हो वो क्या लगता है, उसके ऊपर एक लोगो लगता है, R लिखा रहता है, नहीं तो TM लिखा रहता है, आप एक बार वहाँ पर अपना चीज़ें देख सकते हैं। तो क्या क्या यहाँ पर ब्रांडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसके ऊपर हम ब्रांड के बारे में बात करेंगे आखिरी में, जो कि मार्केटिंग सेक्शन में बात करेंगे। अभी आप TM का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट ऑफिशियली कॉस्ट 4,500 एंड इसके साथ आपको सर्विस चार्ज कोई 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये तक चार्ज कर देगा, उसको आप पे करना पड़ेगा करीबन 6,000 6,500 के अंदर आपको, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फोर्थ वन, रेंट एग्रीमेंट। मान के चलिए आप जहाँ पर काम करते हैं, आप जहाँ पर अपना सेटअप बैठाने के लिए बैठे हैं काम किए, तो GST करने के लिए आपको खुद का अगर है फार्म तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। अगर खुद का नहीं है तो आपको किसी से रेंट लेंगे, तो रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि GST के लिए रेंट एग्रीमेंट लगता ही है, राइट। तो रेंट एग्रीमेंट करना अनिवार्य है। एंड फाइव नंबर, आपका कंपनी के नाम पे एक करेंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में। आप इतना बढ़िया ट्रांजेक्शन करेंगे, लाखों छापेंगे, तो उसके लिए तो एक बैंक की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर करेंट अकाउंट नहीं है तो आप वो धंधा नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि कोई भी पैसा भेजेगा, आप कितना ट्रांजेक्शन करेंगे, महीने में लाखों के ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते बगैर करंट अकाउंट में। इसीलिए करंट अकाउंट भी अपना खुलवा दीजिए किसी भी बैंक में जाकर, जिसको जो भी टर्म एंड कंडीशन रहेगा, कोई बोलेगा 10,000, कोई बोलेगा 20,000 की मिनिमम आपका सेविंग होना चाहिए, और महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये एक कंडीशन है। तो आप वहाँ पर जाकर अपना करंट अकाउंट खुला सकते हैं आपकी मर्जी के ऊपर। कोई रेफरल नहीं करता हूं आपको, क्योंकि मैं बैंक का एम्प्लॉय भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बिजनेस एडवाइज़र हूं। मेरा काम है आपको गाइड करना, और मैं आपको गाइड भी कर दिया हूं। लास्ट वन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट,
इज द इंश्योरेंस। देखिए फ्रेंड, लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बाकी आप इग्नोर मत कीजिए। आगे जाकर मान के चलिए कुछ हादसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपकी कुरान पर आग लग गया, आपका बंदे को कुछ इधर उधर हो गया, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इंश्योरेंस कर दीजिए, आपका कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस कर दीजिए। कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस करने में आपका जो सामान भी सुरक्षित है, आपका एम्प्लॉय भी सुरक्षित है। इसलिए इंश्योरेंस को अवॉइड मत कीजिए, इंश्योरेंस को कीजिए। अगर इंश्योरेंस नहीं करते हैं तो आपका अगर नुकसान हो जाता है उसकी जिम्मेदारी खुद आप ही है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये जो मैं आपको बताया 6 पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट वन, अगर आप बिज़नेस को बड़े तगाब में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी कंट्री से दूसरा कंट्री को माल भेजना चाहता हूँ, मैं इसी कंट्री से अमेरिका, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज हैं, मैं वहाँ जैसे मान के चलिए आप नेपाल भी भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको देखिए नेपाल आसपास की कंट्री है, भूटान आसपास की कंट्री है, बांग्लादेश आसपास की कंट्री है। अगर वहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट पहुँचा कर अपना बढ़िया कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको और एक छोटा सा लाइसेंस करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। सबसे आखिरी है, ये बहुत ही रिक्वायरमेंट है। अगर आप बॉर्डर में धंधा करते हैं, कोई नेपाल के बॉर्डर में धंधा करता है, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर में धंधा करता है, चाहता है भाई मैं भेजूँ वहाँ पर माल, भेजूँ अपना काम बनाऊँ, तो इसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइसेंस बहुत ही रिक्वायरमेंट है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर फ्रेंड आपको इसके अलावा और भी कुछ रिक्वायरमेंट पड़ता है, कुछ जानकारी चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा। और इसके साथ माय डियर फ्रेंड, इससे वीडियो को सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जाकर शायद किसी का भी काम आ सकता है। बहुत सारे लोग ना आज के डेट में बनाने चलते हैं अपना कंपनी, बनाने चलते हैं अपना प्रोडक्ट, ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं, बहुत सारे कुछ करना चाहते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सभी को शेयर कीजिए। एंड अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे जाकर आपको देखने के लिए मिलेगा बिजनेस प्लान, मतलब यहाँ ये जो बिज़नेस आप शुरू करते हैं इसको कैसे आप स्टार्ट करेंगे, इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, लेके चलता हूँ दूसरा सेक्शन की ओर, जहाँ पर आपको बिज़नेस प्लान का पूरा डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।